पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू
पावरों साकार से, हीलिंग साकाश, स्वयं के लिए और सर्व के लिए। शक्तिशाली साकाश, महामारी के इस कहर में चले हम सभी मिलकर फैलाते हैं पवित्रता की लहर, शक्तियों की लहर, प्रेम की लहर, शांति की लहर, और दूर करते हैं इस महामारी का कहर। सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, अपना सारा ध्यान बाहरी सभी संकल्पों से हटाकर अपनी श्वासों की ओर लेकर जाते हैं। अनुभव कीजिए भरपूरता अपनी श्वासों में। सांसों को भरिए, गहराई से भरिए। कुछ पल रोकिए, और फिर छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को कुछ मिनट करते हैं, श्वास लेते समय अनुभव कीजिए परमात्मा की वाइट हीलिंग लाइट, पवित्रता की लाइट की श्वास हम ले रहे हैं। इस वाइट लाइट को अंदर खींचिए, गहरी सांस लीजिए, रोकिए और अनुभव कीजिए ये सांस आपके अंदर पूरी तरह से भरती जा रही है इस लाइट को। और जब सांस छोड़िए तो अनुभव कीजिए अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। परमात्मा की लाइट की श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, अनुभव कीजिए लंग्स में ये ईश्वरीय प्रकाश की लाइट भरती जा रही है। इस श्वास को रिलीज कर दीजिए पूरी तरह से। शांति की श्वास भरिए, होल्ड कीजिए और अंदर तक शांति को फैला दीजिए। कर दीजिए शक्तियों की श्वास भरिए, होल्ड कीजिए
भर दीजिए शक्तियां अपने इम्यून सिस्टम में, नस नस में ईश्वरीय ताकत जा रही है। सारी कमजोरियां बाहर आ रही हैं। गहरी सांस छोड़ दीजिए बाहर। अंदर जाकर ये प्रकाश फैलता जा रहा है और अंदर के सारे कीटाणु बाहर निकले। अनुभव कीजिए। लंग्स क्लियर हो गए, इम्यूनिटी बढ़ने लगी। अब मेरा ये शरीर भरता जा रहा है इन शक्तिशाली पवित्रता के दिव्य प्रकाश से। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया, श्वासें नॉर्मल हो गई, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। इतना भर गया ये प्रकाश कि मेरे शरीर के रोम रोम से ये दिव्य प्रकाश बाहर निकल मेरे चारों तरफ के आभा मंडल को एक सुरक्षा कवच की तरह भरता जा रहा है। अनुभव कीजिए, सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बन गया है। एक बैलून के रूप में मुझे अंदर समा रहा है। इसी तरह से ये और बढ़ता जा रहा है, पूरे घर में जिस स्थान पर आप हैं, इस बढ़ते हुए प्रकाश को देखिए। एक सुरक्षा कवच के रूप में ये सभी साथ रहने वाली आत्माओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। फैलाते जाएं इसको। और अनुभव कीजिए, जिस स्थान पर मैं आत्मा हूं वो स्थान चारों तरफ से सुरक्षित है। कोई भी कीटाणु, कोई भी नकारात्मक संकल्प प्रवेश भी नहीं कर सकता इसके अंदर। सील कर दीजिए, हील कर दीजिए। अब अपना ध्यान पूरी तरह से भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि, अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य सितारा, उस पर केंद्रित करती हूं।
ये चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा शक्तिशाली पवित्र पावरफुल अब मैं आत्मा पूरी तरह से इस देह को यहीं सुरक्षित छोड़ अपने फरिश्ताई लिबास में बेहद की सेवा के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरती हूँ। उड़ते हुए देखिए अपने आप को, चमकते हुए फरिश्ता लिबास में मैं आत्मा। पहुंच गए सूक्ष्म वतन जहां हम सभी फरिश्तों का वास है, हल्के लाइट और माइट से भरे। जहां परमात्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनकी लाइट और माइट हम सभी फरिश्तों पर पड़ रही है। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का दिव्य अलौकिक प्रकाश हम फरिश्तों को शक्तियों और गुणों से भरपूर कर रहा है। परमात्मा जो सभी शक्तियों का स्रोत है, हम आत्माओं के पिता, सखा, सद्गुरु, गाइड हैं। उनके साथ हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं ग्लोब की ओर, जहां आज इस कलयुग के समय में हर तरफ इस महामारी से अशांति, दुख, भय और पीड़ा चारों ओर फैली हुई है। अनुभव कीजिए कि परमपिता परमात्मा हम में भर रहे हैं ये रूहानी खुशबू। ग्लोब के अंदर प्रवेश कर पूरी सृष्टि के चारों ओर फैल जाते हैं। इस धरा का शुद्धिकरण करने के लिए अब देखें किस तरह से वातावरण का शुद्धिकरण हो रहा है। प्रेम की अगरबत्ती बन जाएं, करुणा का धूप अपने अंदर जलाएं, चारों तरफ रूहानी खुशबू फैलाकर वातावरण को शुद्ध बनाएं। चलो हम सभी फरिश्ते मिलकर
सारे विश्व को शुद्ध बनाएं, वातावरण में ये खुशबू फैलाएं। हम अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सभी आत्माओं का दुख दूर कर रहे हैं। चारों तरफ दिव्य रोशनी फैला रहे हैं। सर्च लाइट बनकर चारों तरफ अंधेरे को दूर कर रहे हैं। आत्माओं में जो ये भय का अंधेरा छाया हुआ है, हम सभी लाइट हाउस उन सभी का अंधेरा दूर कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ रहा है।
आत्माओं के अंदर उनके स्थूल और सूक्ष्म विकार नष्ट हो रहे हैं। जो आत्माओं को अभी शरीर नहीं मिला, वह भी शांत हो रही हैं। सारा विश्व इस लाइट और माइट से हमसे निकलती हुई देवी गुणों की रूहानी खुशबू से महकता जा रहा है, भरता जा रहा है ईश्वरीय ताकत से, शक्तियों से। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल पहुंच रही है उन तक ये रूहानी खुशबू, रूहानी शक्तियां सड़कों पर पड़े मरीज, ये रूहानी खुशबू ऑक्सीजन का काम कर रही है उनके लिए। फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। सबकी श्वास नॉर्मल चल रही है। ये रूहानी लाइट जो माइट से, शक्तियों से भरपूर है, आत्माओं में जागृति ला रही है, पवित्रता ला रही है, शांति ला रही है। शुद्धिकरण हो रहा है सबका। वातावरण स्वच्छ और निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। करुणा से भरपूर हम सभी फरिश्ते शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं की किरणें फैला रहे हैं।
सारी सृष्टि को दिव्य शक्तियों से भरपूर करते हुए पांचों तत्वों को ईश्वरीय ताकत से भरते हुए एक सुंदर आभा मंडल चारों तरफ फैला हुआ है। पूरे ग्लोब पर अब हम सभी ईश्वरीय प्रेम में लवलीन फरिश्ते वापस पहुंच जाते हैं अपने अपने स्थानों पर, जहां पर पहले से ही सुरक्षा कवच तैयार है। प्रवेश करते हैं अपनी अपनी स्थूल देह में। अनुभव करते हैं पूरी सुरक्षा का और शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता परमात्मा का। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हरेक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश। बाबा कहते तुम हो
टावर ऑफ सका। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सका। दुखी अशांत रोगी आत्माओं की पीड़ा हमें भगाना है, बाबा की आशाओं को पूरा करके हमें दिखलाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं यही हमारा नारा है, हम सब एक हैं सारा संसार हमारा है। माया की अब खैर नहीं हमने घेराव डाला है, चारों ओर अंधेरे के बीच हमने किया उजाला है, हमने किया उजाला है। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सका। उठो जागो विश्व रक्षक अपना कर्तव्य निभाओ, के माहौल से तुम इस संसार को मुक्त कराओ। हम नहीं घड़ी दो घड़ी के योगी, हमारा जीवन है योगी सदा। सेवा में रहने वाले हम रूहानी फौजी हैं, नष्टो मोह बन कर चलते हम मन मौजी हैं। बाबा दादी सदा ही देते हम बच्चों को सकाश, उठो जगत के वास्ते अब छू लो तुम आकाश। दीप राज बाबा की केवल हम पर है ये आस, बाबा कहते मीठे बच्चों तुम टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश।